जोर शोर से बोले वाले जुमलों की कतार में एक और नया जुमला दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। ये बहुत बड़े चढ़कर कल अनाउंसमेंट हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपए मिलेंगे खरीदारी के लिए फेस्टिवल्स मतलब त्योहारों से पहले। अब इसका सच तो ये है कि ये 10 EMI की तरह ये वापस भी किए जाएंगे, तो ये एक EMI है, ये सरकार कोई दे नहीं रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, ये तो पहला झूठ हुआ। दूसरा बड़ा जुमला क्या है कि 35 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मतलब जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए LTC पर जो पैसा मिलता था उसको आप वाउचर की तरह ले सकते हैं और उससे कुछ खर्चे कर सकते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है लेकिन असलियत सुनिएगा तो आपको भी दांतों तले उंगली दबाइएगा। क्या है असलियत? तो ये है कि इस पैसे को लेने के लिए आपको इसका तिगुना खर्चा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप एंटाइटल्ड है आने जाने का 6,000 के किराए के लिए, तो आपको पहले 18,000 खर्चा करना पड़ेगा तब आपको 6,000 मिलेगा। और 18,000 खर्चा भी आप किन चीजों पे कर सकते हैं ये भी सरकार ने निर्धारित किया है। आप इससे खाने का सामान नहीं खरीद सकते हैं, आप इससे सिर्फ वो वस्तुएं खरीद सकते हैं जिस पर GST 12% या उससे ज्यादा है। आप ये GST दुकान से ही खरीद सकते हैं, आपके पास GST का बिल होना चाहिए। आप कैश नहीं दे सकते, सिर्फ डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। और तो और आपको ये खरीदारी 31 मार्च 2021 से पहले कर लेनी है। तो अब सरकार बताएगी कि आप कहां पर कितना खर्चा करिएगा और कैसे करिएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी भी सरकार ने जो गरीब तबका है, जो वनरेबल सेक्शन है, जिन पर कोरोना की महामारी का सबसे ज्यादा असर पड़ा है और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चाहता था, उसके बारे में कोई बात नहीं करी है। मेरा अपना मानना है कि इन सब अनाउंसमेंट से उपभोग, निवेश और नौकरी की जो सुई की नोक है वो इधर से उधर नहीं होगी, क्योंकि सरकार की नीयत में ही खोट है।